घी बटर और मक्खन खाने का शौक किसे नहीं होता है, लेकिन इसमें अगर कुछ टेस्ट मिला दिया जाए तो खाने का मज़ा दोगुना हो जाता है। इसी लिस्ट में आता है हमारा पीनट बटर। इसे खाने से कई फायदे होते हैं। पीनट बटर एक सुपर फूड है, इसमें प्रोटीन, हेल्दी फूड और फाइबर होता है। तो चलिए इस पीनट बटर को बनाना शुरू करते हैं। तो इस पीनट बटर को बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी सबसे पहले यहाँ पर मूंगफली की। तो हमने यहाँ पर 200 ग्राम कच्ची मूंगफली ले ली है, जो बाज़ार से इस तरह की आती है। आपको यहाँ पर कच्ची मूंगफली ही लेनी है। फिर हमें इसको अच्छे से जो है रोस्ट करना है। तो ये मैंने एक पैन ले लिया है और गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम करते हुए लगभग इसे हम 8 से 10 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। ये फिर जब तक इनका छिलका साना उतर जाए, अच्छे से ये क्रैक ना हो जाए जब तक हम इसको भूनेंगे, नहीं तो हमारे पीनट बटर में टेस्ट नहीं आएगा। तो लगभग मैं आपको ये 8 से 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भूननी है। हाई फ्लेम पर भूनने की कोशिश ना करें, नहीं तो मूँगफली आपकी जल जाएगी। तो ये देखिए धीरे धीरे मूंगफली का कलर भी चेंज होने लगा है और जो इसका छिलका है वो भी अलग होने लगा ऑटोमेटिक ही। जो मूंगफली हमारी क्रैक होने लगी है, तो जब ये क्रैक होने लगती है और ये चटकने भी लगती है तो समझ जाइए मूंगफली आपकी भुन चुकी है। इनसे चटकने की आवाज़ आ रही है। अब हम क्या करते हैं, इसको 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देते हैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। फिर हम कोई भी कॉटन का कोई कपड़ा ले लेंगे, किसी सिल्क वगैरह का कपड़ा ना ले आप मूंगफली को छीलने के लिए। इस तरह का कॉटन का कपड़ा ले लेंगे और थोड़ी सी जो हल्की सी गर्मी होनी चाहिए जब हम इनका छिलका उतारेंगे। तो इस तरह से आप इसको रगड़िए तो आसानी से इसका छिलका उतर जाएगा। अगर आप गर्म गर्म मूंगफली का छिलका हाथों से उतारोगे तो हाथों की हथेलियाँ जल जाती है, क्योंकि काफ़ी गर्म होती है। तो इस तरीके से आप रगड़ोगे तो इसका छिलका सारा ही उतर जाएगा। ये देखिए, तो लगभग में छिलका इसका सारा ही उतर चुका है और जो थोड़ा बहुत कोई कोई मूंगफली रह जाते हैं और उस पर छिलका रह जाता है, तब आप उसको हाथ से आराम से उतार ले इस तरीके से इसको रगड़ते हुए। तो चलिए मूंगफली का छिलका तो उतर चुका है, अब हम क्या करते हैं इसको फटकते हैं, यानी जिसको फटकना बोला जाता है, जिसका कूड़ा कचरा हम निकालते हैं किसी चीज़ को, उसको फटकना बोला जाता है। इस तरीके से इसको फटकते हुए इसके जो आगे के छिलके आ जाते हैं हमारे मूंगफली के आगे, उसको निकाल देते हैं। ये देखिए 1 मिनट में ये सारे छिलके साफ़ हो जाएंगे, आपको किसी झरने वरने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ईजीली जो थोड़े बहुत मूँगफली के छिलके रह रहे हैं मूँगफली पर, आप उसको चुट्टी की हेल्प से उतार ले। ये देखिए मैंने इसको फिर एक मिक्सिंग जार में डाल लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हमने दरदरा किया है। मूंगफली का जब हम पेस्ट लेके यानी बटर लेके आते हैं, उसमें मूंगफली के दाने होते हैं बारीक बारीक, वो खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच मूंगफली के दाने निकाल लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी नमक, सेंधा नमक मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब हम यहाँ पर डालेंगे हनी यानी शहद, तो 2 चम्मच हम यहाँ पर भरकर अच्छे से शहद की डाल देंगे और फिर इसका ढक्कन लगाएंगे और उसको ग्राइंड करना शुरू कर देंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए अब जो इसकी कंडीशन है कुछ इस तरह की आपको दिखाई दे रही है। अगर आपका बैटर ये सूखा सूखा आपको लग रहा है तो तब आप यहाँ पर क्या करें, किसी दूध का या फिर मलाई वगैरह का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी ना करें। आप यहाँ पर डालें थोड़ा सा शुगर सिरप, जो मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ था यहाँ पर, जो चीनी से बनाया जाता है, और इसको डाल के फिर से हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखिए तो काफ़ी बारीक हो चुका है इस टाइम। ये देखिए अगर आपको ये थोड़ा सा मोटा रखना है तो आप यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको एकदम बारीक करना है तो थोड़ा सा आप इसको फिर से ग्राइंड कर सकते हैं। इस तरह से काफ़ी बारीक हो जाता है ये। लेकिन आज मैं आपको एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी जो मैंने आज से पहले कभी भी नहीं बोली है अपने चैनल पर। ये देखिए जो जितने भी फूड हमारे मार्केट से आते हैं, ज़रूरी नहीं घर पर वो सभी चीज़ें अच्छी बने, और ये भी ज़रूरी नहीं कि सभी चीज़ें बाज़ार की अच्छी हो। कुछ चीज़ें घर की अच्छी होती है और कुछ चीज़ें बाज़ार की। लेकिन जैसे बटर वगैरह होते हैं, जो पीनट बटर है हमारा, ये हम घर पर बनाते हैं तो उसमें वो टेस्ट नहीं आता है, बच्चे इसको अच्छे से मन लगा के नहीं खाते हैं। और जो मार्केट से आता है बच्चा चोरी करके भी इसको खा जाते हैं, मेरे घर पर तो यही होता है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी, पैसे आप डाल ही रहे हैं तो आप उसको बाजार से ही लाके खाए। तो फ्रेंड्स आज की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।